हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने मेरी इस टॉपिक से संबंधित पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम करने वाले हैं कुबेर नाथ राय जी के जीवन परिचय के बारे में, साथ ही उनका एक महत्वपूर्ण निबंध है राघव करुणा रस, उनके बारे में, उनका सार, उनका उद्देश्य यह करेंगे हम। तो शुरू करते हैं कुबेर नाथ राय जी के जीवन परिचय के बारे में। पहला पॉइंट है जन्म, शिक्षा और आजीविका। कुबेर नाथ राय जी का जन्म 26 मार्च 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मतसा ग्राम में हुआ। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय वैकुंठ नारायण राय एवं माताजी का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी राय जी था। उन्होंने मलसा क्विस कॉलेज वाराणसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उनकी पत्नी का नाम महारानी देवी जी था। अपने सेवा काल के आरंभ में उन्होंने विक्रम विद्यालय कोलकाता में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे नलबारी असम में अंग्रेजी के प्राध्यापक और सहजानंद महाविद्यालय में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में प्राचार्य रहे। प्राचार्य का अर्थ है प्रधान रहे। आगे इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं के जो नाम है वो निम्नलिखित हैं, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, निषाद, बांसुरी, विशद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका। तो ये कुछ प्रमुख इनकी रचनाओं के नाम हैं। तीसरा पॉइंट है प्रमुख पुरस्कार एवं उपलब्धि। कामधेनु पर मूर्ति देवी पुरस्कार, प्रथम कृति प्रिया नीलकंठी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान 1971, पत्र मणिपतूल के नाम के लिए अभ्यानंद पुरस्कार, किरात नदी में चंद्र मधु पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। तो इस प्रकार इन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए गए। अगला पॉइंट है निधन अर्थात मृत्यु। श्री राय जी का निधन 5 जून 1996 को हुआ, उनके पैतृक गांव मत्सा में ही हुआ। पैतृक होता जहां पर वह जन्मे पले थे, उनके पिताजी थे। आगे है जी राघव करुणा रस निबंध, इसका सार, इसका उद्देश्य जो कबीर नाथ राय जी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें नाम का विश्लेषण करना होगा। शाब्दिक अर्थ, राघव का अर्थ हो गया राम, श्री राम, रामायण वाले राम बोल सकते हैं हम। तो राघव का अर्थ हो गया राम जी। करुणा रस, ये एक रस का नाम है, करुणा दुख का रस बोल सकती हैं, करुणा आती है।
तो शुरू करते हैं पहले भूमिका। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने आज के मानव द्वारा किसी न किसी स्तर पर अकारण ही विविधता की स्थिति को भोगने की बात स्पष्ट की है। अकारण होता है बिना किसी कारण, विविधता मजबूरी के कारण। लेखक का मानना है कि हर एक मनुख, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी बिना कारण दुख भोग रहा है, जिसे इन्होंने करुणा रस कहा है, दुख भोग रहा है। लेखक ने आज के साहित्य में भी करुणा रस की नवीनतम स्थिति निर्वासन के अर्थ लिखे हुए हैं। करुणा रस की जो बिल्कुल नवीन स्थिति है उसके अर्थ लिखे हैं, जैसे कि देश निकाला दे देना। लेखक का मानना है करुणा रस के बारे में, उनके विचार हैं, देश निकाला देना, विसर्जन कर देना, त्याग कर देना का उल्लेख करते हुए निर्वासन रस की कल्पना करने में भी कोई हर्ज नहीं माना है। दूसरा पॉइंट, निर्वासन की तुलना श्री राम जी से करना। लेखक ने इस निर्वासन विभुक्ता की तुलना रामायण के नायक श्री राम जी से की है। श्री राम को भी निर्वासित होने अर्थात पत्नी हरण के दुख भोगने पड़े, और बिना किसी कारण यानी कि अकारण उन्हें भी एकाकीपन होते अकेलापन का सामना करना पड़ा था, और उस पीड़ा को अकारण यानी कि बिना किसी कारण सहना पड़ा था। लेखक जी कहते हैं कि आज के मनुष्य की और श्री राम की स्थिति एक समान है, जैसे कि श्री राम जी ने बिना किसी कारण दुख भोगा है, उसी प्रकार जो आज का मनुष्य है वह भी बिना किसी कारण, बिना किसी निरपराध के दुख भोग रहा है। श्री राम जी और मनुष्य दोनों की स्थिति एक जैसी ही है, निरपराध है, अर्थात उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तीसरा पॉइंट, श्री राम के कुछ पहलुओं की चर्चा करना। निर्वासन के संदर्भ में लेखक जी ने श्री राम के व्यक्ति तत्व के कुछ पहलुओं की चर्चा करते हुए कहा है कि श्री राम भयंकर आत्म संघर्ष से गुजरते हुए, या तो यानी कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने बात की है कि गुजरते हुए या तो असह दुख को शांत सौंदर्य बोध में डाल देते हैं, अर्थात बिल्कुल शांत रहते हैं, अपने मन को शांति में रखते हैं, असह दुख होता है लेकिन फिर भी नहीं डोल रहे, या आत्म संघर्ष में जयी बनकर शांत स्थिर और सबल हो जाते हैं, अपनी आत्मा से संघर्ष करते करते स्थिर हो जाते हैं, बल होते हुए भी सबल हो जाते हैं। वास्तव में श्री राम जी का चरित्र व्यक्तिगत सुख और दुख पर ही केंद्रित नहीं, उसमें एक व्यापक करुणा का प्रसार है। करुणा अर्थात दुख का प्रसार है, भयानक दुख जो आत्मिक दुख होता है उसकी बात कर रहा है लेखक। आगे है चार नंबर पॉइंट, श्री राम के मन में सीता के प्रति वैराग्य और अनासक्ति का जागना। लेखक के अनुसार श्री राम जी सीता जी का पता पूछते घूम रहे हैं, वहीं उनके भीतर का देवता उन्हें वैराग्य और अनासक्ति की ओर ले जाता है। यह मानव की महिमा का प्रतीक है कि सीता जी को कठिनाई से प्राप्त करके उसे त्याग देना श्री राम की अनासक्ति का ही एक उदाहरण है। नहीं तो कौन त्याग सकता है, इतने दुखों के साथ उन्होंने सीता जी को पाया, इतने संघर्ष के बाद सीता जी को पाया, लेकिन फिर दोबारा त्यागना पड़ा, तो यह एक अनाशक्ति की ही उदाहरण है। पांच नंबर पॉइंट, आज के मानव के अकेलेपन का वर्णन। इसके विपरीत जैसे निबंध के द्वारा
लेखक ने राघव करुणा के द्वारा अर्थात श्री राम जी की गाथा के द्वारा आज के मनुष्य को मनुष्य के अकेलेपन का भी वर्णन किया है। उनका मानना है कि इसके विपरीत आज का मानव स्वयं के घेरे में बंधा हुआ है बल्कि दूरीहीन भी है। श्री राम निर्वासन भोगते हैं पर अजनबीपन नहीं ओढ़ते, अजनबी नहीं होते। निर्वासन भोगते हैं, दुख जरूर भोगते हैं। आज का मानव इन दोनों को गले लगाता है, अजनबीपन को भी और जो उन्हें छोड़कर चला जाता है उस दुख को भी, उस निर्वासन को भी। लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, निर्वासन का अर्थ लेखक के अनुसार। निर्वासन का अर्थ लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार जब निर्वासन का अर्थ रचनाकार का नित्य अकेलापन हो अर्थात हर रोज प्रतिदिन अकेला रहे तो यह शाप की स्थिति नहीं है, पर जब निर्वासन का अर्थ विश्व से, मनुष्य से, सौंदर्य से, अपने आप से अजनबीपन हो तो यह अवश्य ही शाप की स्थिति है। यही मैं पंक्ति को दोबारा दोहराना चाहता हूँ जो लेखक की प्रमुख पंक्ति है। निर्वासन का अर्थ इन्होंने बताया है, लेखक के अनुसार जब निर्वासन का अर्थ रचनाकार का नित्य अकेलापन हो अर्थात प्रतिदिन अकेला हो तो यह शाप की स्थिति नहीं है, शाप नहीं है। फिर शाप क्या है? तो उनका मानना है, लेखक जी का मानना है, पर जब निर्वासन का अर्थ विश्व से, मनुष्य से, सौंदर्य से, अपने आप से अजनबीपन हो तो यह अवश्य ही शाप की स्थिति है। कहना ना होगा कि पहली स्थिति परिवार से अकेलापन होना, उसे पहली स्थिति माना है, हमें किसी महासत्य की ओर ले जाती है, क्योंकि परिवार से बहुत से लोग अकेले होकर परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया है। जैसे कि महात्मा बुद्ध जी परिवार छोड़कर भगवान को पाने की उन्होंने कोशिश की, भगवान के नज़दीक पहुंच गए। जबकि दूसरी स्थिति खुद से अकेला होना है। जो आदमी खुद से भी अकेला हो जाता है वह भयानक है, मनुष्य को घुटन भरा जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि आदमी खुद ही मर जाता है। यदि आदमी खुद को अकेला महसूस करता है, जैसे कि लेखक ने बताया है कि विश्व से, मनुष्य से, सौंदर्य से, अपने आप से यदि व्यक्ति अजनबी हो जाता है, अपने आप को अकेला समझने लग जाता है तो उसका जीवन घुटन भरा हो जाता है। तो इस निबंध में, इस लेख में लेखक ने, कुबेर नाथ राय जी ने यही बताने की कोशिश की है। राघव करुणा रस उनके माध्यम के द्वारा हमें एक नया संदेश दिया है कि अकेलापन वो नहीं होता जो परिवार से बिछड़ जाता है, लेकिन अकेलापन वो होता है जो अपने आप से, अपने खुद से अकेला हो जाता है तो उसका जीवन घुटन भरा हो जाता है अर्थात जीते जी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू जी। कल हम करेंगे एक नया टॉपिक, नए टॉपिक के साथ हम फिर नई क्लास लेंगे। शुक्रिया जी।